अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। सो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो लेटरल व्यू ऑफ द टू एडजेसेंट टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब लाइक थोरेसिक थ्री और थोरेसिक फोर जब एक साथ ज्वाइन होती है तो वो कैसी दिखती है, उसका लेटरल साइड से हम लोग उसका व्यू आज हम लोग हमारी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारा दो वर्टिब्राज जो है ये ज्वाइन हो चुकी है। ओके, सो दो वर्टिब्राज के इसमें हम लोग क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने मिलेंगे तो ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा डायग्राम उतना प्यारा नहीं बन पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, सो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बॉडी, इसकी ये जो दो पार्ट्स मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं इसे बॉडीज बोलते हैं। ओके, इसकी ये हो गई बॉडी, इस पार्ट इस वर्टिब्रा की, ये बॉडी इस वर्टिब्रा की, उसी तरह से ये जो होता है इसे स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं ऑल वगैरह। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट रहता है। ओके, सो लाइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग मेन पार्ट्स डिस्कस करने वाले थे। सो यहाँ पर एक जो रहता है आपको यहाँ पर एक फैसेट देखने मिलता है, और यहाँ पर भी आपको एक तरह का एक फैसेट देखने मिलता है। ओके, सो ये जो फैसेट्स हैं इन फैसेट्स के नाम क्या होते हैं, सेम दोनों में भी सेम दोनों में सेम रहेंगे। ओके, सो हम लोग सिर्फ जो जो नेमिंग्स है, जो लेबलिंग्स है, वो सिर्फ ऊपर वाले में करेंगे। ओके, सो इस फैसेट का नाम है डेमी कोस्टल फैसेट। ओके, डेमी कोस्टल फैसेट। ओके, अब ये डेमी कोस्टल फैसेट क्यों यहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बेसिकली डेमी कोस्टल फैसेट इज प्रेजेंट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिब। अंडरस्टैंड दैट दिस वर्टिब्रा इज द थोरेसिक फोर वर्टिब्रा। ओके, सो थोरेसिक फोर वर्टिब्रा, सो द फोर्थ रिब विल बी अटैच्ड टू हियर। ओके, लाइक द हेड ऑफ द फोर्थ रिब, लाइक एज यू नो देर आर सम पार्ट्स इन द रिब्स। ओके, एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है रिब में क्या क्या पार्ट्स होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, यह क्या है, ये है डेमी कोस्टल फैसेट, अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेड जो रहता है रिब का, रिब में कुछ पार्ट्स होते हैं, हेड होते हैं, ट्यूबरकल्स होते हैं ऑल वगैरह। सो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट विल बी अटैच टू द डेमी कोस्टल फैसेट ऑफ द करस्पॉन्ड, लाइक डेमी कोस्टल फैसेट ऑफ द वर्टिब्रा। ओके, so this is the demicostal facet of the fourth thoracic vertebra, so according to that the head of the fourth rib will be attached to attached here। okay, so head of the fourth rib will be attached here। okay, so ye ho gaya demicostal facet। ab yahan par ek aur facet hai। okay, iska naam kya hai tha ye hum dekh lenge। okay, iska naam hota hai demifacet। okay, jaise ki ye tha demicostal facet। okay, usi tarah se ye hai demifacet। okay, सो डेमी फैसेट इस ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्यों प्रेजेंट है, ये क्या हेल्प करता है, तो बेसिकली इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द इमीडिएटली लोअर रिब। आई अंडरस्टैंड दैट दिस रिब इज द दिस वर्टिब्रा इज द फोर्थ रिब। ओके, एंड दिस डेमी कोस्टल फैसेट वॉज आर्टिकुलेटिंग विद द हेड ऑफ द फोर्थ रिब, सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस डेमी फैसेट विल बी आर्टिकुलेटेड विद द फिफ्थ रिब। ओके, जैसा कि ये फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, सो इमीजिएटली बिलो जो रहती है जो रिब, थोरेसिक फोर वर्टिब्रा है तो नीचे वाली जो रिब रहेगी उसका नाम रहेगा द फिफ्थ रिब। ओके, सो फिफ्थ रिब विल बी आर्टिकुलेटेड विद हियर। ओके, सो हेड ऑफ द फिफ्थ रिब विल बी आर्टिकुलेटेड हियर। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ आप लोगों को देखने मिल रही है। तो जैसे समझिए, जैसे थोरेसिक फोर वर्टिब्रा है, थोरेसिक फाइव वर्टिब्रा है। ओके, सो ये वाला जो फैसेट है इसका नाम है डेमी कोस्टल फैसेट, इस वाले फैसेट का नाम है डेमी कोस्टल फैसेट। दोनों का नाम है डेमी कोस्टल फैसेट, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये भी थोरेसिक फोर ये भी वर्टिब्रा के अपर पार्ट में, ये भी वर्टिब्रा के अपर पार्ट में। ओके, सो दोनों का नाम है डेमी कोस्टल फैसेट ऑफ द दैट पर्टिकुलर वर्टिब्रा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिब विल बी अटैच, थोरेसिक फोर वर्टिब्रा है तो फोर्थ रिब का हेड यहाँ पर अटैच होगा। ओके, सो यहाँ पर भी क्या होगा, ये फिफ्थ रिब है तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिफ्थ रिब का हेड क्या होगा, अटैच होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि, और ये जो डेमी फैसेट है, डेमी फैसेट में क्या होगा, थोरेसिक फोर का डेमी फैसेट है तो यहाँ पर इमीडिएटली बिलो जो रिब है, जो बिलो जो वर्टिब्रा है, थोरेसिक फाइव वर्टिब्रा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी रिब होगी, रिब नंबर फिफ्थ। ओके, करस्पॉन्डिंग मीन्स जो नंबर इसका नंबर है वही नंबर रिब का भी नंबर होगा, ये होता है करस्पॉन्डिंग। ओके,
सो क्या होगा जब यहाँ पर लाइक रिब आएगी, ओके सो रिब कैसी, यहाँ पर ऐसी इस तरह से रिब आएगी और रिब इस तरह से अटैच होगी, लाइक उसका सम पार्ट ऑफ द हेड यहाँ पर अटैच होगा, सम पार्ट ऑफ द हेड यहाँ पर अटैच होगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि डेमी कोस्टल फैसेट, ये डेमी कोस्टल फैसेट है, तो डेमी कोस्टल फैसेट पर भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रिब नंबर अटैच होगा, लाइक हेड ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिब, लाइक ये जैसा कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हेड ऑफ द रिब अटैच होगा, लाइक द फिफ्थ नंबर रिब का हेड, ओके। एंड जो डेमी फैसेट है, डेमी फैसेट में लाइक जो लोअर और जी और जो बिल्कुल इमीजिएटली लोअर रिब है उसका जो है हेड यहाँ पर अटैच होगा। तो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का इमीजिएटली कौन सा लोअर रिब रहेगी, फिफ्थ रिब, तो फिफ्थ रिब का जो लाइक फैसेट है वो यहाँ पर हेड है जो वो यहाँ पर अटैच होगा, ओके। सो ये हो गया, यहाँ पर आप लोग समझ गए तो कि डेमी फैसेट और डेमी कोस्टल फैसेट क्यों यूज होता है, तो ये हो गया डेमी कोस्टल फैसेट, डेमी फैसेट के बारे में, ओके। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के बारे में। सो ये हो गया, यहाँ पर रहता है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, ओके, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट क्या करता है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो होता है बेसिकली लाइक जो दो वर्टिब्राज है उसको अटैच करना, जैसे आप देख सकते हैं ये वर्टिब्रा और ये वर्टिब्रा, ये दोनों क्या हो रही है, अटैच हो रही है, तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के थ्रू अटैच हो रही है ये दोनों वर्टिब्रा सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के थ्रू। तो ये इस चीज़ में हेल्प करता है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसका नाम, विच इज़ द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ओके, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हो गया, ओके। नाउ हमारे पास में और कुछ फैसेट्स है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पर और एक फैसेट प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज दी कोस्टल फैसेट, ओके। ये हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कोस्टल फैसेट के बारे में, ओके। सो कोस्टल फैसेट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, बट मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली कोस्टल फैसेट क्या होता है, इसमें ट्यूबरकल ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिब अटैच होती है, जैसे यहाँ पर हेड अटैच हो रहा है तो हेड के साथ में फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लाइक यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हेड अटैच होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्यूबरकल अटैच होगा, ओके, ट्यूबरकल ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिब। तो क्या होता है, रिब ऐसी आती है, समझिए इस तरह से, इस साइड से आ रही है, ओके, सो इस साइड से आ रही है, या फिर आप इस साइड से, जैसे भी दोनों साइड से आती है ना रिब, तो इस साइड से ऐसा निकलेगी, ओके। यहाँ पर हेड अटैच हुआ, हेड के बाद ऐसी रिब क्या होती है, कर्व होती है, तो हेड अटैच हुआ यहाँ पर हेड, ओके, तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, इस तरह से ऐसी कर्व होकर यहाँ पर इसका ट्यूबरकल अटैच होगा। सो यहाँ पर ट्यूबरकल, यहाँ पर हो गया हेड, तो इस तरह से इसका नाम हो गया कोस्टल फैसेट, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, देन ये डेमी कोस्टल फैसेट, देन ये डेमी फैसेट, अगेन दिस इज द डेमी कोस्टल फैसेट, अगेन दिस इज डेमी फैसेट, अगेन दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक लाइक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्टिकल फोरामेन डिस्कस किए थे, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में इंटरवर्टिकल फोरामेन रहेगा। इंटरवर्टिकल फोरामेन कैसे बोलते हैं, इंटरवर्टिकल फोरामेन जो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये होता है इंटरवर्टिकल फोरामेन। इंटरवर्टिकल फोरामेन मतलब क्या होता है, इंटरवर्टिकल फोरामेन मतलब होता है कि दो वर्टिब्रा के बीच का फोरामेन, ओके, दो वर्टिब्रा के बीच का फोरामेन, ये जो फोरामेन इसको बोलते हैं इंटरवर्टिकल फोरामेन। सो ये बेसिकली इंटरवर्टिकल फोरामेन के थ्रू क्या पास होता है, तो ये स्पाइनल नर्व्स एंड ऑल पास होती है, ये आप लेटर वीडियोस में इंशाल्लाह और क्लियरली जानेंगे कि इंटरवर्टिकल फोरामेन के थ्रू क्या पास होता है। तो ये हो गया इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इंटरवर्टिकल फोरामेन, ओके। और ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है, ये जो स्पेस आपको दिख रही है, यहाँ पर लाइक एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, ओके, उसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ओके, ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैं यहाँ पर उसे बनाऊँगा नहीं, लाइक बना देता हूँ, अगर जैसे देखिए ऐसे इस तरह की एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, इट्स जस्ट फॉर द लाइक अंडरस्टैंडिंग, ओके, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन आर लेटर वीडियोज इंशाल्लाह। सो इट इज़ कॉल्ड एज द इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ओके। सो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें हमारे लेटरल व्यू में प्रेजेंट रहती है, ओके। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेटरल व्यू ऑफ द टू एडजेसेंट टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा, लेटरल व्यू ऑफ द टू एडजेसेंट टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये हो गए लेटरल व्यू ऑफ द टू एडजेसेंट टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। सो गाइज, इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज डू शेयर इट लाइक विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोज और हम लोग प्रोवाइड कर सके, और हम लोग जब न्यू वीडियोज पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
प्लीज़ डू लाइक आर वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक्स अ लॉट.